ये कल्पना सिनेमा हॉल सहारनपुर का प्रोजेक्शनिस्ट रूम, यहाँ पर मैं बैठकर शहदाद अहमद से बात कर रहा हूँ, जो कि 40 साल से फिल्में दिखाते रहे हैं यहाँ पर। शहजाद साहब, हाँ, एक बात बताएं, आप 40 साल से फिल्में दिखा रहे हैं? हाँ, 1976 से। उस ज़माने में प्रोजेक्शनिस्ट जो थे उनकी क्या इज्जत थी और आज क्या बात है, क्या फ़र्क पड़ गया, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? फ़र्क तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले की बात कुछ और थी, अब कुछ और बात है। लेकिन मालिक तो हमारे जो गुए वासी, कोई हमें कोई तकलीफ़ नहीं, यहाँ पर कोई किस्म की वो नहीं है। यहाँ पर हमें हर तरखा सैलरी पूरी मिलती है यहाँ पर। नहीं, सैलरी तो मिलती है, हाँ, लेकिन पहले जो आपकी एक लोगों के बीच इज्जत थी, हाँ, उसकी बात करें। अच्छा अच्छा, पहले तो इज्जत हमारी थी वो पूछते थे हमें लोग बागे कि भाई कहाँ काम करते हो। अगर हम कहीं चले जाते थे, किसी भी डिपार्टमेंट चले जाते थे, हमें इज्जत से बैठाते थे लोग बाग। क्योंकि टिकट लेने के लिए, पिक्चर देखने के लिए। और आज के ज़माने में अगर हम पास से गुजरते किसी के, तो हमें कोई पूछता ही नहीं। कभी ऐसा होता था क्या, क्योंकि बड़े लोगों ने भी आपको लिफ्ट दे दिया? हाँ, लिफ्ट दिया जी, बड़े लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने, डॉक्टरों ने दी। जिस भी महकमे चले जाते थे हमें, किसी भी सरकारी महकमे में हमारा काम पहले हो जाता था। अच्छा। हाँ, बहुत इज्जत होती थी। बस भाई क्या कहते थे, हमें टिकट दे, पैसे भी देते थे टिकट के, ग्रीन देखते थे पिक्चर। अच्छा, हाँ जी। और एक और बात बताएं, आपको यादें, कुछ यादें ऐसे हैं कि यहाँ पे कोई फिल्म स्टार वगैरह आए, ऐसा कुछ हुआ कभी? यहाँ पर रविंद्र जैन जी आए थे एक बारी, बहुत पहले। कौन सी फिल्म थी, याद है? फिल्म तो पता नहीं कौन सी चली थी यहाँ पर, लेकिन फिल्म का तो याद नहीं है, लेकिन रविंद्र जैन जी आए थे यहाँ पर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब।